तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। देखो पीछे एक नंबर का सीन दिख रहा है। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और मैं उठ गया हूँ। ठीक है, वैसे फैमिली भी उठ गई है, लेकिन अभी फैमिली तैयार वैयार हूँ नहाए धोए, इतने में चलता हूँ बाहर घुमाई पे और तुम्हें दिखाता हूँ अल्मोड़ा की गलियाँ। सुबह सुबह घूमने का इतना एक्साइटमेंट था, मैं मुँह तक नहीं धो के आया और मैं ये सीन देखने आया हूँ। देखो तुम भाई साहब, गजब लग रहा है ना, मस्त लग रहा है ना। ठीक है, तो आगे चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। तो सुबह सुबह गाड़ियाँ कैसे चलने लग गई इतनी सुबह सुबह? मेरे ख्याल से पहाड़ी वाले लोगों की सुबह सुबह जल्दी हो जाती है, हमारी नहीं होती। इस साइड बोला है उन्होंने कि अल्मोड़ा विलेज है, तो लेट्स गो विलेज एक्सप्लोर करते हैं। वो लंबे लंबे पेड़, उनके नीचे खाइयां और उनके आगे पहाड़, भाई क्या सीन है। वो नीचे देखो, नीचे भी घर बने हुए लोगों के। वाओ भाई, मैं यहाँ पे रह सकता हूँ, कितनी बढ़िया जगह है बे। बहुत लक्की होंगे यहाँ के लोग जहाँ जो यहाँ पे रहते हैं ब्रो। तुम खुद सोचो भाई, सुबह उठो और ऐसा सीन देखो, जो सीन देखने के लिए हम यहाँ पे इतनी दूर से आए ना, वो सीन इनको डेली दिखता है भाई। और शायद इन लोगों को इस चीज़ की वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि मेरे को अभी एक लोकल मिला था। भाई तुम ये जगह देखो, पता नहीं तुमको इसकी असली ब्यूटीफुलपन दिख रहा है नहीं दिख रहा, असली खूबसूरती दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन भाई बहुत खूबसूरत जगह है ये। चारों तरफ लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं और बीच में हम हैं। तुम सोचो भाई कितना गजब जगह है। वैसे मैं सुबह सुबह डेली वैसे ही एक्सरसाइज करता हूँ, तो मैं सोचा इस बहाने एक्सप्लोर भी हो जाएगा और इस बहाने मेरे किलोमीटर एंड स्टेप्स भी पूरे हो जाएंगे। तो 10,000 स्टेप्स करने ज़रूरी है। ओ भाई ये देखो, तुमने आज तक इतने बड़ा कैक्टस नहीं देखा होगा। कैक्टस के फ्रूट मेरे पास भी हैं, ठीक है, लेकिन इतना बड़ा नहीं देखा होगा। देखो तुमको दिखा, ये लिटरली वहाँ नीचे से आ रहा है भाई, वहाँ नीचे से नीचे आ रहा है और इतने ऊपर तक देखो 10-15 फुट का होगा भाई। यहाँ पे कैक्टस भी है भाई, मेरे को लगा था कैक्टस राजस्थान में होते हैं, नहीं वहाँ पे एक और कैक्टस की वैरायटी है, ठीक है, जो मेरे पास भी है। ये देखो ये वाली तुमको दिख रही है, तो ये भी कैक्टस की वैरायटी है, ये भी मेरे पास है, ठीक है। ये वाली नहीं है, ये थी शायद पहले थी भाई, हमारे नाना जी के पास थी शायद पहले ये कैक्टस की वैरायटी, मेरे को ध्यान है, ठीक है। लेकिन तुम यार, मेरे को इतना बड़ा नहीं हुआ कभी भी हमारे वाला कैक्टस, ये कितना बड़ा हो रखा है देखो। और मेरे को लगा कैक्टस राजस्थान में ही होते हैं भाई, लेकिन कैक्टस यहाँ भी मिलेंगे आपको। तो वेलकम टू अल्मोड़ा ब्रो। भाई वहाँ तो एक ही कैक्टस दिखा था इतना बड़ा, यहाँ पे और दिख गए देखो, 1, 2, 3 तीन कैक्टस इतने बड़े बड़े। तो भाई काफ़ी आगे आ चुका हूँ मैं, तो अब चलता हूँ वापस। लेकिन रियलिटी एक बात बताऊँ तुमको, जो यहाँ के बंदे रहते हैं ना, मैं डेली वॉकिंग करता हूँ, लेकिन भाई यहाँ की वॉकिंग थोड़ी, इनको जाने दो पहले, यहाँ की वॉकिंग थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि तुम खुद सोचो इस पहाड़ की ऊंचाई पे देखो
इस ऊंचाई पर चढ़ते जाना बहुत मुश्किल है, और लोग बागों ने ऊपर तक घर बना रखे हैं भाई, ठीक है। तो भाई उनको हैट्स ऑफ है, बहुत मुश्किल है यहाँ पे जीना, शायद इसीलिए यहाँ के सब लोग पतले हैं, मेरी तरह हेल्दी नहीं है। तो लेकिन हम हरियाणा से हैं भाई, तो हमारा हेल्दी होना बनता है, अगर हम हेल्दी नहीं होंगे तो लोगों को पता कैसे लगेगा हम हरियाणा से हैं। इसीलिए तो बोलते हैं दूध दही का खाना, लेट्स गो। तो नीचे चलते हैं अभी, ठीक है, इसी नज़ारे को लेते हुए। काफ़ी घूम लिए, कितने घूमे ये तो नहीं पता मेरे को करेक्ट, लेकिन काफ़ी घूम लिए। शायद हमारा होटल लोधिया में था, और वहाँ से हम अल्बोरा 5 किलोमीटर है, तो लोधिया शायद 10 किलोमीटर है, शायद 5 किलोमीटर घूम चुके हैं, करेक्ट नहीं पता। लेकिन भाई सुबह सुबह ये सुंदरता देखने में मज़े बहुत आ रहे हैं। पता नहीं तुमको मोबाइल के थ्रू दिख रही है नहीं दिख रही, लेकिन भाई ये अनलिमिटेड सुंदर है, तुमको मैं बता नहीं सकता कितना सुंदर है, रियलिटी में तुमको बता नहीं सकता। यहाँ पे वॉक करने का अपना ही मज़ा है, और जो यहाँ की हवा है ना उसमें जो ताजगी है ना, अगर तुम शहर से आए हो ना तो सालों तुमको सांस आएगी यहाँ आके, ठीक है। बहुत मस्त जगह है, तुमको आना पड़ेगा यहाँ पे अल्मोड़ा में, अगर तुमको ज़िंदगी के ये पल जीने हैं तो, ठीक है। बाकी नीचे चलते हैं और जल्दी से होटल पहुँचता हूँ, तुमको होटल पहुँच के फिर बताता हूँ, पता तो रहे तुम्हारा भाई पहुँचा है नहीं पहुँचा। बाय बाय। ये यहाँ का मौसम है, और ये यहाँ के पकवान, हर हर महादेव, भगवान माफ़ करना, सब पर दया करना, और शुरुआत मेरे से करना। यहाँ पे है ना भाई, हर मंदिर में ये लगे हुए हैं, ये पता नहीं इनका मतलब क्या है, ओम श्री गणेशाय नमो नमः, ये शायद गणेश चक्कर हैं जो यहाँ के लोगों में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये इन पेड़ों के नीचे आके मंदिर है, तो ये इसका मतलब कोई अल्मोड़ा से होना तो मेरे को समझाना कि इस गणेश चक्कर का मतलब क्या होता है, ठीक है। और जय भोले जय महादेव, चलते हैं अपने आगे अपनी वापिस अपने रूम पे। और आज थोड़ा सा ओकेशन था तो मैंने ये ले लिया, लिटिल हर्ट, अगर आपने खाया हुआ है तो बताना मेरे को नीचे कमेंट में, मेरे को बड़ा सही लगता है, तो लेट्स गो जाके इसको खाते हैं। भाई हम पहुँच गए अपने होटल वापिस, तो मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक सायोनारा।